एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल इज निजी प्रिया एंड वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग हॉल फ्रॉम मीशो। इसमें आज मैं आपको जो प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ये होम डिकोर स्पेशल होने वाला है, स्पेशली फॉर टेम्पल। हमारे घर में जो मंदिर होता है उसको सजाने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं, और बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट है जो शायद अभी तक आपको किसी वीडियो में देखने को नहीं मिले होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं अपने चैनल पे इस तरीके के लाइफ स्टाइल, DIY, होम मेकओवर, शॉपिंग हॉल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए लेट ना करते हुए सबसे पहले दिखाती हूँ आपको पहला प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, पहला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके के बॉक्स में, और इनको मैंने पहले ही चेक कर लिया है और अनबॉक्सिंग करने का भी टाइम सेव होता है। तो ये पहला प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से बॉक्स में है, सेपरेट इसकी पैकिंग की गई थी, तो पैकेजिंग जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और इस तरीके से ये पॉलीथीन में पैक होकर आया था। ये मैंने मंगाया है एक छोटा सा कैंडल स्टैंड, जो आप देख सकते हैं लगभग 6 इंच का है, और ये ब्रास का है, गोल्ड प्लेटेड ब्रास का। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, गोल्ड प्लेटेड अलग मिलता है, ब्रास का अलग मिलता है, तो ये मैंने ब्रास को ऑप्ट किया है। ये दिया स्टैंड है, इसमें दिया जलाने के लिए यहाँ पर दे रखा है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, शाइन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं शाइन इसका बहुत अच्छा है, कहीं से भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये सारे एक दूसरे पर नट बोल्ट से फिट हैं, आप चाहें तो इनको ओपन करके क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये मुझे मिला है 2 के सेट में, आप सिंगल भी ले सकते हैं, इसमें सिंगल का भी ऑप्शन था, और ये सारे प्रोडक्ट फ्रेंड मुझे मीशो से मिले हैं। तो है ना बहुत प्यारा सा प्रोडक्ट, और प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मीशो में कोई लिंक नहीं होता है, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग मीशो से शॉपिंग करते होंगे, मीशो में कोई लिंक नहीं होता, मीशो में एक कोड होता है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिसे आप चाहें तो वहाँ से उस कोड को नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके इस प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। सेलर अलग अलग होते हैं, बट जिनसे मैंने लिया है प्रोडक्ट उससे अच्छा आया है, मैंने काफ़ी सर्च करके लिया है, तो आप चाहें तो उसी सेलर से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके से मेरे हाथ में है, ये सारे ही मेटल ब्रास के ही सामान आपको आज देखने को मिलेंगे, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ जो सामान है वो कुछ ऐसे ही हैं। ये है फ्रेंड्स, ये तो सिंपल ऐसे ही पैकिंग में आया, पैकिंग मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी, बट प्रोडक्ट कहीं से डैमेज नहीं हुआ है, सो आई एम फाइन विद इट। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है यहाँ पे पीकॉक का डिज़ाइन, और साथ में यहाँ पे कुछ रखने के लिए स्पेस दे रखा है। ये मुझे थोड़ा सा डिफेक्टिव लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, शायद मैं इसको इमेज में चेक कर लूँगी, बट ओवरऑल इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। नीचे से इस तरीके से आपको छोटे छोटे से डॉट्स मिल जाते हैं स्टैंड की तरह से, आप इसको टेंपल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी, या आप इसको होम डिकोर में भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, या डाइनिंग टेबल पे, या कोई भी डेस्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर कार्विंग जो हो रखी है ये काफ़ी अच्छी सी है, कार्विंग पीछे तक भी है, बस मुझे ये थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा है, मुझे नहीं पता अगर ये डिफेक्टिव है तो डेफिनेटली मैं इसको रिप्लेसमेंट में डालूंगी या रिटर्न में डालूंगी। बट प्रोडक्ट का प्राइस 200 अप्रॉक्स था, 200 से 295 समथिंग था, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, और ये मुझे अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये जो मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे ये मुझे एक ही सेलर से आया था, तो एक बॉक्स में ही ये पैक होकर आ गए थे। ये भी कुछ इस तरीके से पेपर रैप करके ही आया हुआ है, और ये छोटा सा एक फिगराइन है, एक गणेश का आइडल है, ये भी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटा सा गणेश जी का इस पे मूर्ति बना हुआ है, और आगे यहाँ पर दीपक जलाने के लिए जगह दे रखी है, ये देखिए, और कार्विंग काफ़ी अच्छे से इस पे दिखाई दे रही है, फिनिशिंग भी है, और पीछे से इस तरीके से सिंहासन की तरह है, और नीचे कुछ यहाँ पे 3 स्टैंड दे रखे हैं,
ये भी अप्रॉक्स 200 के रेंज में था जो मुझे अभी अपने मंदिर के मेकओवर के लिए चाहिए था, बिकॉज़ अभी मैंने अपने घर में कुछ कारपेंटर का काम करवाया है, वुडवर्क करवाया है, जिसमें मैंने अपने मंदिर को फिर से दूसरा बनवाया है, तो उसके डेकोरेशन के लिए मुझे चाहिए था। और अगर आप मेरे मेकओवर का वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं आने वाले टाइम में अपने मंदिर का मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत ही प्यारा सा देखिए ब्रास का प्रोडक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, 200 की रेंज में है। तो ये था थर्ड प्रोडक्ट, चलिए दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से बॉक्स में है, जिसको मैंने ओपन करके चेक कर लिया है, बिकॉज़ ऐसा होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट सही नहीं होते हैं और टाइम की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इस तरीके से पैक होकर आया था, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कुछ लकड़ी का रेजिड्यूअल है उसके अंदर ऐड करके मुझे ये मिला है। ये मैंने फ्रेंड्स मंगाए, ये अच्छे से पैक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैक था ये प्रोडक्ट। जब मैं इसे ओपन कर रही थी तो मुझे बहुत टाइम लग गया, बिकॉज़ ये पूरी तरीके से प्लास्टिक से रैप था, इतनी अच्छे तरीके से था कि ये कहीं भी डैमेज नहीं होता। तो ये फ्रेंड्स मैंने मंगाया है एक पीकॉक हैंगिंग दिया सेट, जो कि सेट ऑफ टू है, आप देख सकते हैं इसमें इतनी बड़ी सी चेन है और यहाँ पे हैंग करने के लिए एस हुक दे रखा है, साथ में यहाँ पे पीकॉक का डिज़ाइन है, यहाँ पे दिया जलाने की स्पेस है और नीचे इस तरीके से इस पर डिटेलिंग है। तो फ्रेंड मैं दोनों ही आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मैंने मंगाया है अपने टेम्पल के लिए, ये दोनों ही सेट आप देख सकते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको देखना है, नज़दीक से दिखा देती हूँ, इन सारे प्रोडक्ट्स को आपको देखना है कि मैंने कैसे यूज़ किया है अपने टेंपल में। तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और आने वाले वीडियोस में आपको टेंपल मेकओवर ज़रूर दिख जाएगा। अभी तक आपको किसी ने टेंपल मेकओवर का वीडियो नहीं शेयर किया होगा, शायद मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स अभी तक थे ये छोटे छोटे से टाइनी प्रोडक्ट, अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ होम डिकोर के बड़े प्रोडक्ट। और ये बहुत बड़े से कार्टन में आया था और उसके अंदर भी दो कार्टन थे, इन प्रोडक्ट्स को सेपरेट सेपरेट पैक किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके स्क्रू ड्राइवर्स दे रखे हैं इसमें, और ये बहुत अच्छे से पैक था। इसको मैंने जस्ट ओपन किया और चेक किया कि प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है, बिकॉज़ ये वुडन सामान है तो मे बी ये डैमेज हो सकता है रास्ते में। अभी मैं आपके सामने ही इसको ओपन कर रही हूँ, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस प्रोडक्ट को जो मैंने मंगाया है। ये है एक वॉल शेल्फ है, फ्लोटिंग वॉल शेल्फ, और ये देखिए कितने अच्छे से पैकिंग है, एक के अंदर एक का लेयर लगा हुआ है, सो दैट कि ये स्क्रैच ना हो जाएं, एक दूसरे में रगड़ के ख़राब ना हो जाएं। तो इस तरीके से आप देखते हैं फोम शीट में है, ये है हेक्सागॉन वुडन शेल्फ, जो कि इस तरीके से यहाँ पर आपको हैंग करने का जगह मिल जाता है, यहाँ पे मेटल लगा हुआ है, ये कहीं से डैमेज नहीं होगा। और इसको आपको वॉल में कुछ ऐसा फिक्स कर देना होता है, और आप इस पर कुछ डेकोरेटिव पीसेस रख सकते हैं, आप अपने घर के कोई भी रूम को या कोई भी वॉल को डिकोर कर सकते हैं। ये मैंने दो के सेट में मंगाया है, इसमें आपको साइजेस तीन मिल जाते हैं डिफरेंट। फ्रेंड्स ये वाइट एंड स्काई ब्लू का मैंने सेट मंगाया है, साइड में आपको मैं वीडियो दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है, और आप इसे अपने मन चाहे डिज़ाइन के साथ फिक्स कर सकते हैं वॉल में, बहुत ही प्यारा सा पीस होता है। और लिटरली इतनी अमेजिंग प्राइस में ये मीशो पे अवेलेबल था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने इसको परचेज़ कर लिया। आप अगर इसको अदर वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पर ये 1000 से अबव जाता है, ये मीशो पे सिर्फ 616 का था। मुझे ये इसलिए याद है बिकॉज़ ये प्राइस ही अपने आप में अमेजिंग था, तो मैंने इसको तुरंत ही परचेज़ कर लिया, बिकॉज़ इससे ज़्यादा कम रेंज में आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। ये 6 का सेट है, स्काई ब्लू एंड वाइट कलर भी डिफरेंट अवेलेबल हैं, आपके रूम की आपके थीम के अकॉर्डिंग इसमें कलर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस शॉपिंग हॉल। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट भी कुछ इस तरीके से है, इस बार के मेरे कार्टन काफ़ी बड़े बड़े आए हैं और जिन्हें हाथ में कैरी करके दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये लाइट वेट है इसलिए मैं अभी आपको इसको हाथ में कैरी करके दिखा पा रही हूँ। ये मैंने मंगाया है एक ऑर्गेनाइज़र, जो कि आपको मीशो पे इतने कम रेंज में मिला। पैकेजिंग आपने देख ली, ये बबल प्लास्टिक रैप करके आया था, काफ़ी सेफ्टी से आया था। और ये दो के सेट में मैंने मंगाया है फ्रेंड्स, बहुत ही बहुत अमेजिंग मीशो पे
मेरा मीशो पे दो फ़ोन नंबर से आईडी है। एक फ़ोन नंबर से मैंने पहले क्लॉथ्स वगैरह मंगाए थे तो उस पर मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट जो दूसरे नंबर से मैंने मंगाया था उस पर दो प्रोडक्ट पहले जो मैंने ऑर्डर किए थे, एक गलत आया, दूसरा किसी वजह से वापस हो गया जो कि प्रीपेड प्रोडक्ट थे। अभी जाके मुझे इस आईडी पर सारे प्रोडक्ट अच्छे रिसीव हुए हैं, विद इन टाइम हुए हैं। तो ये रहा मीशो से मंगाया हुआ एक ऑर्गेनाइज़र, जिसको आप ऐसे शेल्फ़ में इस तरीके से हैंग करके यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये किचन, आपके वार्डरोब या किसी भी सेल्फ में, आपके घर में अगर कोई भी शेल्फ दिखता है जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत है, स्पेशली ये आपके वार्डरोब में बहुत अच्छे से फ़िट होता है और किचन में बहुत अच्छे से फ़िट हो जाता है। आप यहाँ पे छोटे छोटे से डब्बे रख सकते हैं या क्लोथ्स यहाँ रख सकते हैं, कॉस्मेटिक के आइटम्स रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा मुझे ये प्रोडक्ट लगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बहुत हैवी मेटल नहीं है, बट हाँ स्टर्डी है, काफ़ी प्यारा सा मतलब इसका मुझे लुक लगा। और साथ में दो का सेट है, सबसे अच्छी बात है। और ये लगभग 500 की रेंज में दो का सेट मिल रहा था, सो इट्स अ स्टील बाय फॉर मी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ज़रूर इसे परचेज़ करिएगा। मेरी तरफ से ये आपको फुल्ली रिकमेंडेड है, बिकॉज ऐसे डील मीशो के अलावा मुझे नहीं लगता कहीं और मिलने वाले हैं। मैंने बहुत शॉपिंग की है, मेरे बहुत सारे शॉपिंग हॉल मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, purple.com, नाइका, बट मीशो का ये वाला जो शॉपिंग हॉल है ना, दिस वन इज़ द बेस्ट वन। और विदाउट ऑफ़र ये डील है, आप सोचो अगर ऑफ़र होगा तो क्या डील होगा। तो सो गाइज, अब भी मेरे पास कुछ सामान बाद में आ चुके हैं जिनको मैं इसी के साथ क्लब कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि ये सारा जो है ब्रास स्पेशल हो रहा है तो चलिए इसको ब्रास स्पेशल ही बना देते हैं। तो ये मैंने इसमें मिक्स भी मिलेंगे, ये सिर्फ मीशो का शॉपिंग हॉल तो नहीं होने वाला है, बिकॉज़ इसमें आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का भी प्रोडक्ट मिलेगा जो कि मीशो पे अवेलेबल नहीं थे। तो ये है फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ एक बॉक्स। अभी मैं आपको तीन प्रोडक्ट और दिखाने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें मंगाया, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है पहले ही, मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया है इस तरीके के बॉक्स में आया था। ये है सेट ऑफ 12 पूजा बेल, मतलब मंदिर की घंटी जो होती है उसके लिए ये इस तरीके से पैक होकर आया, और सारे जितने भी बेल हैं ना ये सारे सेपरेटली पैक्ड हैं इस तरीके से। तो ये मैंने सेट ऑफ 12 मंगाया है पूजा बेल, आपको इसमें 6, 4, 8 इस तरीके से पेयर मिल जाएंगे। मुझे चाहिए थे सिर्फ 10 घंटियाँ, तरीके से मुझे यहाँ पे सेट ऑफ 6 एंड सेट ऑफ 6 का पैक मिला है। तो एक पैकेट में 6 घंटियाँ हैं और एक पैकेट में 6, तो इस तरीके से देखिए ये सेपरेटली पैक होके आया है। पैकेजिंग काफ़ी सही से दी हुई है, ये नहीं कि बेल को सबको एक में डाल दिया और वो आवाज़ कर रहे हो या फिर एक दूसरे से रगड़ खा रहे हो। ये देखिए ये छोटा सा बेल मैंने मंगाया, ये 2 इंच का बेल है और ये ब्रास है, इसमें आपको आवाज़ भी मिलेगा। साथ में इसी तरीके से सारे बेलें हो सका तो मैं वीडियो यहाँ पर डाल दूँगी, या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए, सारे ही इमेज में डाल दूँगी। सारे ही बेल इस तरीके से हैं, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये 2 इंच का बेल है, इससे बड़े साइज़ भी आपको मिल जाएंगे, इससे छोटा साइज़ भी अवेलेबल था, बट मुझे ये चाहिए था, बट मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा छोटा निकला है ये बेल, इस वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। बट हाँ, मुझे इसमें ही काम चलाना है तो मैं इसको ही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, अंडर बजट। साथ में आपको इसके इस तरीके से यहाँ पर स्क्रू हुक मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और वो भी ब्रास पैटर्न में ही मिल रहा है। इस तरीके से ये हुक होता है, यहाँ पर स्क्रू डिज़ाइन दे रखा है, आप इसको जहाँ भी हैंग करना हो इसके थ्रू आप हैंग कर सकते हैं। चेन नहीं इसमें अवेलेबल है, बिकॉज ये छोटे छोटे से बेल हैं। तो ये सेट ऑफ 12 मुझे मिला है इस तरीके से, ये 6 हैं एंड 6 का ये पैक है। तो इस तरीके से पैक होकर आया था, सारे ही आप देख सकते हैं सेपरेट पैक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, मैं चाहती तो इसको लोकल मार्केट से भी परचेज कर सकती थी, बट वहाँ पर सेट ऑफ 10 एक जगह पे अवेलेबल नहीं मिल रहे थे, सो आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फ्रॉम ऑनलाइन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेजॉन से, जो इस तरीके के बॉक्स में पैक होकर आया और ये बबल रैप में भी पैक था, और इसको मैंने चेक कर लिया है पहले ही ओपन करके। ये होने वाला है प्रोडक्ट ऑफ द डे,
ये प्रोडक्ट लेने का मेरा बहुत दिन से मन था और मैं इसको बार 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 पोस्टपोन करती जा रही थी, बट फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि मुझे ये प्रोडक्ट ख़रीदना था और मैंने परचेज़ कर लिया। और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करते वक्त मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ये आपको फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और मीशो पर भी है, बट मुझे सबसे बेटर जो इसका वो लगा रिव्यू प्लस प्रोडक्ट क्वालिटी अमेजोन पे ही था। प्राइस भी रीज़नेबल था, इनफैक्ट सबसे कम था ये अमेजोन पे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेजोन पे प्राइस इसका सबसे कम था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये प्रोडक्ट। ये होने वाला है कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। ये है हैंगिंग उड़ली और वो भी आपको इस तरीके के मेटल में है। एक्चुअली अवॉइड दिस वॉइस बिकॉज माई बेबी इज़ सिटिंग नियर मी। वो ये वीडियो शूट होते हुए पूरा देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं बिकॉज अभी वो मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते किसी भी वीडियो शूट में। तो मैंने भी डिसाइड किया कि नहीं, इधर ही बैठा लेते हैं। यस बेटा। तो फ्रेंड्स, ये है ये हैंगिंग उड़ली, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा बड़े साइज़ में पॉट है एक, और साथ में यहाँ पे आपको लोटस पैटर्न मिल जाता है। ये सारे मेटल के हैं और इस तरीके से ये हैंग है एक दूसरे में फिक्स होके। ये देखिए, ये इस तरीके से लोटस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है और ये सारे एक दूसरे से यहाँ पर अटैच हैं। 1 2 3 4 5 फाइव इसमें लोटस आपको पैटर्न मिल जा रहा है, ये देखिए। और इतना लंबा सा चेन है, यहाँ पर हुक है और आप इसको हैंगिंग उड़ली की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो वाटर भी कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है पानी डालकर, बट जहाँ तक लोग इसको ड्राई ही यूज़ करते हैं, इसमें फ्लावर्स पेटल्स वगैरह डाल के इसको यूज़ करते हैं और लिटरली ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट करता है, जिसको मैं यूज़ करने के लिए लिटरली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जब भी इसको यूज़ करूँगी आपके साथ उसका मेकओवर का भी वीडियो शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये था आज मेरा प्रोडक्ट ऑफ द डे। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग ठीक है, बैक साइड से काफ़ी अच्छा है, अंदर से उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इसका फिनिशिंग। तो खैर, अंदर से इतना फाइन नहीं है, बट बाहर से जो चीज़ इसकी दिखनी है ना हैंग होने पर, वो चीज़ अच्छी है। और इतना शाइन है भी नहीं जितना आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बट ठीक है। ये 500 अप्रॉक्स में मुझे मिला है, ये 500 अप्रॉक्स में मुझे मिला है, तो इस वजह से ये थोड़ा कम रेट में था, इसलिए ये मुझे कम प्राइस में मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये गोल्ड, इस पर गोल्डन पेंट किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। अगर आप कुछ ऐसा डिसाइड कर रहे हैं अपने माइंड में, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कुछ हैंगिंग पैटर्न अपने किसी डेकोरेशन में ऐड करना है, तो प्लीज़ गो फॉर दिस और ये प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पहले मैंने आपको वो प्रोडक्ट दिखाया था एक स्वान का, वो वापस मैंने उसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला था बिकॉज़ वो थोड़ा सा टेढ़ा सा था, तो वो रिप्लेस होकर ये प्रोडक्ट मुझे वापस से मिला है। मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ, तो ठीक है। अगेन मुझे थोड़ा सा ये टेढ़ा सा ही मिला है, बट ठीक है, इट्स ओके, मैं इसे ही रख लेती हूँ। ये था मेरा आज का शॉपिंग हॉल। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।